तो जी फाइनली हमारे पास गाड़ी आ गई है हमारी ऑटोमेटिक कैरेंस, और ये किया कैरेंस का प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट जो कि 1.4 डीसीटी के साथ है। अब इसका गाइस ड्राइव रिव्यू का मतलब ये है कि गाइस हम बेसिकली टर्बो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिक के अंदर। तो बहुत सारे लोग मुझसे चाहते थे कि मैं इसका आपका ड्राइव रिव्यू शूट करूँ, पर्टिकुलरली टर्बो वाली गाड़ी का, और इसमें गाइस ऑटोमेटिक मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया बात, हम ऑटोमेटिक को शूट कर लेते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस इस वीडियो के अंदर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए गाइस। सो जी वेलकम बैक गाइस, और गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, हाइट एडजस्ट हमने कर लिया है, और सबसे पहले गाइस सेफ्टी के लिए हमेशा आप सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि गाड़ी बिना सीट बेल्ट के हमें नहीं चलानी। और आजकल तो गाइस इतनी अच्छी गाड़ी आ गई कि आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। सो हैंड ब्रेक को नीचे किया, गाड़ी को ऑन करते हैं, और आज फाइनली गाइस 1.4 टर्बो डीसीटी को एंजॉय कर लेते हैं, कैसा कुछ है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंपनी बोलती है गाइस इसकी जो एफिशिएंसी है एवरेज अगर मैं बात करूं तो वो निकलती है गाइस अपनी 17 मैनुअल के अंदर, और 15-16 निकलती है टर्बो अपना ऑटोमेटिक डीसीटी के अंदर। तो इसको कैमरे को बंद कर देता हूँ। सो ये आपकी स्क्रीन है गाइस, बहुत ही शानदार, और गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। जहाँ पे मैं हाइट एडजस्ट अपना कर रहा हूँ तो काफ़ी गाड़ी में ऊपर आ गया हूँ, और आई एम श्योर गाइस कि इस गाड़ी के अंदर आपको मतलब जो एलॉय व्हील्स पर्टिकुलरली इस गाड़ी के अंदर दे दिए गए हैं वो बहुत शानदार लगने वाले हैं। तो जी टेस्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, डिफरेंट मोड्स है गाइस, इको, सिटी, स्पोर्ट, 3-4 मोड है इस गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर भी टेस्ट करेंगे गाड़ी को। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइव रिव्यू को। सो सीट तो खैर काफी बढ़िया ऊपर आ गई इस गाड़ी की। सो गाड़ी बहुत स्मूथ है गाइस, बहुत साइलेंट सी है, और टर्बो गाड़ी है, मतलब ऑन हुई तो इतना पता नहीं लगा, बट डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गाड़ी बहुत भागे क्योंकि टर्बो है। तो गाइस एक पुल दिया मैंने, बहुत ही लीनियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसका जो मिड रेंज है वो बहुत पंची है, और फील गाइस बहुत ही गाड़ी के अंदर आ रही है। और आप अपने टायर्स भी देख सकते हैं कि कितने क्रिस्टल क्लियर नज़र आते हैं। हैंडलिंग तो गाइस हमने पीछे चेक की है, डीजल में भी चेक किया था, उसका बहुत अच्छा है। जो स्टेयरिंग का फीडबैक है वो मुझे डीजल से थोड़ा लाइट लग रहा है अभी, ऑटोमेटिक है तो कोई आपको ज़्यादा गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बारी क्या करते हैं, 0 to 100 यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले एसी को ऑफ करते हैं, और गाड़ी बिल्कुल अभी हमने लगा दी है मैनुअल के अंदर। सो D1 के अंदर गाड़ी है, तो गाइस देख सकते हैं अभी गाड़ी 100 टच कर दी है गाड़ी ने। तो आप वीडियो से ही पता लगा लीजिए अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है तो कितनी जल्दी गाड़ी 100 कर लेती है। तो गाइस यही मज़ा है टर्बो में, अगर आपको सिंपल, अगर आप नॉर्मल नेचुरल स्पीड इंजन चलाते हैं वहाँ पर आपको ये जो पंच है वो नहीं मिलेगा। अब 140 PS गाड़ी के अंदर है, तो गाइस आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी लोअर रेंज और इसकी जो मिड रेंज या फिर हायर रेंज भी कितनी पंची होने वाली है। बाकी जो टर्निंग रेडियस है गाड़ी का बहुत कम है, स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है, मुझे डीजल से लाइट लग रहा है, एर्गोनॉमिक्स वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी हाइट पे मैं बैठा हूँ, और पूरे दिन जब इस गाड़ी को आप चलाएंगे तो डेफिनेटली इन्जॉय करने वाले हैं। थोड़ा सा गाइस एफिशिएंसी का इसमें थोड़ा आपको लगेगा कि गाड़ी अगर आप तेज चलाएंगे फॉर एग्जांपल टर्बो के अंदर तो इतनी अच्छी एवरेज नहीं आएगी, बट एक डिसेंट आप मान के चले कि 14-15 आप रियल टाइम में जरूर ले सकते हैं। वैसे कंपनी तो इसमें 15-16 बोलती है, बट आप मान के चले कि 10-12 से ऊपर ही आपको मिलने वाली है। फिर गाइस गाड़ी थोड़ी लाइट रह गया कि तो उन अगर उन सब चीज़ों को मैं मद्देनजर रखूँ तो सही है, मतलब ठीक ठाक आपको एवरेज मिलेगी, जस्ट दैट कि आप इसको नॉर्मल रेंज में चलाएं। बाकी जो एक लो बैंड है, जो एक पावर सर्ज होता है, जो कि एक नेचुरल स्पीड इंजन में आपको मज़ा नहीं आता, वो चीज़ की जो कमी है वो यहाँ भर जाता है। तो इनिशियल जो पिकअप है उसकी कमी ये पूरा भर देता है। बाकी स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है, और गियर शिफ्ट होते हैं तो महसूस होते हैं, थोड़ा सा एक होता है जैसे D5 में अब जो हायर गियर्स बढ़े उसमें इतना नहीं पता लगा, बट जो लोअर से एक दूसरा गियर गया तो वो थोड़ा सा मुझे पता लगा इसके अंदर। और गाड़ी बहुत ही स्पोर्टी से राउंड करता है। ब्रेकिंग देखिएगा इस ABS इस गाड़ी के अंदर है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है, मतलब ऐसे लाइट नहीं है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा और आप गाड़ी की लग सकती है, तो इमीडिएट ब्रेकिंग में बहुत मज़ा आएगा। ABS, EBD सब कुछ है इसके अंदर, ESP, तो काफ़ी शानदार और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी। एटी के आसपास इसने गियर बदला, तो 100 तो गई इस गाड़ी के लिए, मतलब ऐसा है कि कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और आप चाहें तो दिन भर इसे चाहें तो 140-150 तक भी चला सकते हैं। और सच ए ह्यूज साइज कार और 7-सीटर मतलब गाड़ी है, 7 लोग बैठेंगे उसके होने के बावजूद भी एक डेफिनेट पावर है, मतलब दिस इज गाइस बेस्ट ऑफ ऑल है, दिस इज किंग इंजन, मतलब इन द सेंस कि
डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस टर्बो टर्बो है और डीसीटी है तो वो कंफर्ट भी आपको मिल रहा है, तो बहुत मज़ा आएगा। और सस्पेंशन तो खैर गाइस वो चीज़ें मैं बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा हार्ड ही रहता है, फिर भी थोड़ा ऑफ रोड गड्ढे में अगर हम जाएँ तो, जैसे मैं आपको स्पीड ब्रेकर पर भी दिखाऊँगा अभी, तो थोड़ा सा स्टिफ ही रहने वाला है, बट ठीक है गाइस इस गाड़ी के हिसाब से ये चीज़ बढ़िया लगती है। तो बेटर है सस्पेंशन, ठीक है, जितना गाड़ी के हिसाब से होना चाहिए इंडियन रोड के हिसाब से, इसको बढ़िया ट्यून कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी को आप यूज़ कर रहे हैं गाइज और स्पीड लगा रहे हैं, मतलब अगर किसी से रेस भी लगा रहे हैं 140 पीएस गाइज, बहुत शानदार है। इसका आज बड़ा मज़ा है मुझे इसकी ड्राइवेबिलिटी को एंजॉय करके, एक जो पंच वाली चीज़ है, जो एक जो होता है ना कि ड्राइव, जो लोग पसंद करते हैं गाड़ी को ड्राइव करना स्पोर्टी वे में, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। और एक चीज़ गाइज मैं इसको थोड़ा सा नोटिस करा, जैसे तो अभी तो ये गाड़ी स्पोर्ट मोड में चल रही है, तो इको मोड में अगर लगाऊं तो कैसा फील होता वो देख लेते हैं। तो इको मोड में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं गाइज, बट उतना मतलब वो नहीं रहा, अब वो जैसे एक पुल मिल रहा था ना मुझे, वो चीज़ नहीं मिल रही इको के अंदर। और नॉर्मल में तो गाइस फिर ये स्टैंडर्ड हो जाता है, तो नॉर्मल में थोड़ा सा बिट ऑफ इसका इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि गाइस इसके अंदर वो नहीं है, मतलब जो एनालॉग वाला टैकोमीटर तो इतना नज़र नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली मुझे पावर सर्ज नॉर्मल में थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है इको से। तो इको सबसे बेस्ट हो गया, नॉर्मल उससे ऊपर हो गया, एंड देन आपका ये चीज़ हो गया। सो एक बार गाड़ी को रिवर्स में लगाते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, कैमरे कैसे कुछ है। तो गाइस यहाँ पे मोशन गाइडलाइंस मिलती हैं, जैसे जैसे स्टीयरिंग को मोड़ेंगे तो वैसे वैसे मिलेंगे, और पीछे सेंसर की आवाज़ भी आएगी आपको। तो ये काफ़ी बढ़िया डायनेमिक गाइडलाइंस मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो गाड़ी अभी नॉर्मल में थी तो थोड़ा सा इसको एक बार चेंज करता हूँ। तो ड्राइव मोड को अगर चेंज करना तो यहाँ से आप क्लिक करके चेंज करते रहते हैं, ऑन द गो आप चला रहे, तो जैसे मेरा मन किया तो स्पोर्ट मोड में किया, रेड थीम गाड़ी के अंदर आ गई, तो एक डेफिनेट गाइज एक है ना एक पुल ओपन हो गया गाड़ी का, जो कि नॉर्मल में नहीं था। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पोर्ट में तो गाइज ये गाड़ी मतलब किसी को नहीं छोड़, मतलब हर गाड़ी को हरा देगी और बीट कर देगी अपने कंपटीशन को। टर्बो में तो गाइज जो वू करके जो होता है ना वो पिकअप आ रहा है इसके अंदर, बाकी ये चीज़ इको में नहीं मिलेगी आपको। जैसे इको में खींच भी रहा हूँ तो लीनियरली खींच रही है, बट गाइज ऐसे अगर मैं बात करूँ तो इको में अगर आप चलाएंगे तो डेफिनेटली पावर तो मिलेगी ही, बट आपको एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। कोशिश करें कि अपना इको मोड में चलाएं और फ्यूल को सेव भी करें, और पावर की तो अगर आपको अगर चाहिए तो आप नॉर्मल में चला सकते हैं, स्पोर्ट में चला सकते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं महसूस हुआ मुझे नॉर्मल में और इको में, बट स्पोर्ट में डेफिनेटली मुझे जो उसका डिफरेंस है उनको अलग से मालूम पड़ा। तो कैसी लगी ये वीडियो गाइज मेरी मुझे ज़रूर बताना, मैंने इस गाड़ी को पर्सनली बहुत इन्जॉय किया। आपके कुछ कमेंट्स हैं इस पर, कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए, कैसी इसकी ड्राइव भी फील हो उसके बारे में मुझसे जान सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। बाकी गाइज मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना लाइक करके। थैंक यू सो मच।